इस लेसन में हम बात करेंगे कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शंस को कैटेगरीज भी कहा जाता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और दोनों एक ही चीज़ है। कलेक्शन असल में हम इसको थोड़ा सा ये इस अंदाज में समझा सकते हैं, मैं यहाँ कलेक्शन पे आ जाता हूँ पहले, कि यहाँ पर आप इजीली अब मैनेज कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी या कलेक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर विंटर कलेक्शन और समर कलेक्शन आपने लव सुने होंगे, इसके अलावा आप मेंस कलेक्शन और वुमेंस कलेक्शन भी सुने होंगे, और इसी तरह से एक फैशन कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज होती हैं। शॉपिफाई पे उसे कलेक्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे हम किस तरह से कलेक्शन क्रिएट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर कलेक्शन का ऑप्शन नज़र आता है आपको। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक होम पेज की कलेक्शन ऑलरेडी क्रिएट होती है, ठीक है, लेकिन आप इससे ज़्यादा कलेक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ क्रिएट कलेक्शन के इस बटन में क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपने कलेक्शन का टाइटल देंगे, ठीक है, साथ में आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे अपने कलेक्शन की। उसके बाद आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो मैन्युअली ऐड किए करेंगे इस कलेक्शन में, या फिर ऑटो अपडेट हो सकते हैं, खुद ऐड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सर्च इंजन के हिसाब से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम वन बाय वन आते हैं। मिसाल के तौर पर आपने हमने पहले वॉचेस डाली हैं, तो मैंने कहा कि यह है मेंस वॉचेस, या फिर मैं इसको कहता हूँ स्पोर्ट वॉच या स्पोर्ट वॉचेस, ठीक है। अभी मैं कलेक्शन का नाम रख रहा हूँ, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। आप 100 या 150 वर्ड्स की या उससे ज़्यादा की आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सेल चैनल को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल्स चैनल अवेलेबल होंगे जिसमें आप कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं। साथ में अपनी आप कलेक्शन की इमेज भी डाल सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दी है। आप भी इस तरह से अपनी कैटेगरी के यानी कि कलेक्शन की जो मेन पिक्चर आप देना चाहें, जो आपके कलेक्शन में शो होगी, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कलेक्शन की टाइप में आ जाते हैं। ये दो टाइप है, एक मैनुअल जिसमें हम मैनुअली प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं, यानी कि जब हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ से हम कलेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर ऑटोमेटेड का ऑप्शन है। ये ऑटोमेटेड किस अंदाज में काम करती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम इसको मैनुअली बता देते हैं यहाँ पर, तो उसको वो देखते हुए खुद प्रोडक्ट्स को कलेक्शन में ऐड कर देती है, ठीक है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है ऑल कंडीशन और दूसरा है एनी कंडीशन। अगर हम एक से ज़्यादा हमारी कंडीशन है तो हम उसको बता सकते हैं कि सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए, या फिर कोई भी एक कंडीशन अगर मैच होती है तो उस प्रोडक्ट को हमारे इस कलेक्शन में ऐड कर दे, ठीक है। तो मैं इस ऑल को रखूँगा, और प्लस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही कंडीशन यहाँ पर रखें जो ईजिली हैंडल हो, लेकिन अगर आपका स्टोर काफ़ी बड़ा है तो फिर आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के टैग की बुनियाद पर कलेक्शन बना सकते हैं, जिसमें हमने इसमें प्रोडक्ट टैग टाइटल वगैरह वगैरह मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो यहाँ प्रोडक्ट टैग हमने डाला और हमने बताया कि इज़ इक्वल टू, अगर ये टैग किसी के पास है स्पोर्ट वॉच का तो उसे इस कलेक्शन में ऐड कर दे। ये टैग हमने पहले अपने प्रोडक्ट में क्रिएट किया था, आपको याद हो, तो इसलिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं आया तो आप मैनुअली खुद भी डाल सकते हैं। तो जिस भी प्रोडक्ट में ये टैग होगा वो ऑटोमेटिक इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा, हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मैनुअली डालना चाहें तो मैनुअल भी रख सकते हैं, वरना ये भी आसान है कि आप इजीली बस एक टैग सेलेक्ट करेंगे और वो ऑटो इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम सर्च इंजन लिस्टिंग में आते हैं। यहाँ पर बड़ा सिंपल है, आपने हमने जो टाइटल रखा है कलेक्शन का उसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं कि किस तरह से वो गूगल के ऊपर नज़र आना चाहिए। प्लस आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं 320 करेक्टर्स की, ठीक है, और अपने URL को हैंडल कर सकते हैं। ये जो URL है ये SEO के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए हमने स्पोर्ट्स वॉच ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप ये सब चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप सेव कर दें। इस तरह से आपकी एक कलेक्शन जो है न्यू वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमारी जो स्टोर है उस पर टोटल दो कलेक्शन है, एक होम पेज की दूसरी स्पोर्ट वॉच की, ठीक है। इसमें एक एक प्रोडक्ट है दोनों के अंदर, टोटल हमारे मेरे ख्याल से दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने मैं ओपन करता हूँ किसी एक प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको कलेक्शन नज़र आ रही है। इस कलेक्शन में होम पेज में भी ऐड है और स्पोर्ट वॉच में भी ये ऐड है, और ऑटो कलेक्शन के तौर पर, क्योंकि हमारा टैग था स्पोर्ट वॉच इसमें, तो इसलिए ऑटो वो उस कलेक्शन में ऐड हो गया। तो मैं इसे होम पेज से निकाल देता हूँ और सिर्फ स्पोर्ट वॉच में रहने देता हूँ, वरना होम पेज में भी डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों में मौजूद रहेगा। इसके अलावा हम तो अपने दूसरे प्रोडक्ट में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ उस कलेक्शन में। इसकी वजह क्या है? बहुत ही सिंपल सी वजह है कि इसमें हमने टैग नहीं डाला हुआ। इसमें हम टैग डालते हैं मिसाल के तौर पर स्पोर्ट वॉच का, जो हमारे ऑलरेडी क्रिएट है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा कलेक्शन में जो है ना ऐड होगा या नहीं होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर एक होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है क्योंकि ये मैनुअल है, ठीक है। मैं इसको इस होम पेज में भी डाल देता हूँ, उसके बाद मैं वापस बैक पे आ जाता हूँ।
और मैं इसे बैक पे आके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑटो सेव स्पोर्ट्स वॉच में ऐड हो गया। होम पेज में हमने डाला क्योंकि ये मैनुअल कैटलॉग है, सॉरी कलेक्शन है, और ये ऑटो कलेक्शन है, इसमें वो खुद इस टैग की वजह से आ गया है। तो इस तरह से आप कलेक्शन को क्रिएट करते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने हर नए प्रोडक्ट्स के अंदर।